हाँ चलो आपके पेपर में दो नंबर में आता है तद्भव दिया रहेगा तत्सम रूप में आपको लिखना होता है। ये तद्भव है जैसे हड्डी लिखा लिखा गया है। देखो पहले हम बता देते हैं कि तद्भव का मतलब जो आप बोलते हैं जो देहात देहासी देहाती भाषा में बोलते हैं वो तद्भव हो जाएगा जो हम लोग बोलते हैं। तत्सम का मतलब होता है जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है जो संस्कृत में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। जैसे हड्डी है तो हड्डी हम लोग हमेशा बोलते हैं ये तद्भव आपके पेपर में तद्भव दिया होगा तत्सम में लिखना होगा अगर आता है तो जैसे तद्भव में हड्डी है तो जब आप इसका तत्सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अस्थि लिखेंगे। क्या लिखेंगे अस्थि लिखेंगे। और यदि आप अंधेरा दे दिया तद्भव में क्या दे दिया अंधेरा तो आप तत्सम में क्या लिखेंगे अंधकार। अंधकार लिख देंगे। सब लोग सीखो तो नहीं थोड़ा सा चेंजिंग करना ज्यादा नहीं थोड़ा सा अक्षर में चेंजिंग कर देते हैं लिखा जाता आपका। आधा दे दिया आधा तो आधा के लिए हम लोग अर्ध लिखते हैं। आधा के लिए क्या लिखते हैं अर्ध लिखते हैं। आज दे देगा आज तो आज के लिए या आद्य लिखते हैं हम लोग। उसी तरीके से अगर ऊंट दे दिया ऊंट तो इसके लिए हम लोग उष्ट लिखते हैं। थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है बस। अगर आपको कहीं इकट्ठा दे दिया इकट्ठा के बारे में तो आप जानते ही होंगे तो आप इसको एकत्र लिखते हैं इकट्ठा जब देगा तो। इसी तरीके से अगर आपको कहीं काजल दे दिया तो आप इसको कजल लिख सकते हैं कजल लिखा गया है जैसे दिख रहे हैं आप। इसी तरीके से आपका कृपा दे दिया कृपा दे देगा आपको तो कृपा को आप कृपा लिखेंगे कृपा आप लिख देंगे। फिर काज दे दिया काज तो इसके लिए आप कार्य लिखिएगा तत्सम रूप में। फिर आपका कुआं दे दिया तो कुआं अगर दे दिया तो इसके लिए कुप आप लिखेंगे। फिर इसके बाद से खेत दे दिया तो खेत के लिए क्या लिखते हैं हम लोग क्षेत्र लिखते हैं। बात समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आपको करना है और आप चेंजिंग करके लिख सकते हैं। गांठ अगर दे देगा तो इसके लिए ग्रंथि लिख देंगे। गांव दिया रहेगा तो ग्राम लिख लेंगे। चांद दिया होगा तो चंद्र चैत दिया होगा तो चैत्र लिख देंगे। छेद दिया होगा तो छिद्र झीना होगा तो जीर्ण दसवा होगा तो दसम डंडा होगा तो दंड धुआं होगा तो ध्रुम नाक होगा तो नासिका पत्ता होगा तो पत्र पाँ होगा तो पाद प्यारा होगा तो प्रिय भगत होगा तो भक्त भैंस होगा तो मासी मौत होगा तो मृत मक्खी होगा तो मच्छिका जमुना होगा तो यमुना अम्मा होगा तो अम्बा अटारी होगा तो अटलाटिका अंधा होगा तो अंध असरा होगा तो आश्रय उजाला होगा तो उज्ज्वल। अगर आपसे कोई पूछे इसके आगे भी पूछे कोई तो आप लिख सकते हैं ना सब लोग लिख लेंगे। अगर आपसे कभी भी ऐसे वक्त माने तद्भव देगा हमेशा पेपर में तद्भव देता है और आपको तत्सम रूप में लिखना होता है इस तरीके से दिया रहेगा इस तरीके से आपको लिख देना लिखा जाएगा। देखना दो नंबर में आएगा आपको अगर आता है लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हैं लिखा जाएगा सबका।